वेलकम गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी का ड्राइंग बनाएंगे और इसको कलर भी करेंगे, वो भी कलर पेंसिल से। तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि कहाँ डार्क शेडिंग करना है, कहाँ कम शेडिंग करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो एंड तक जरूर। तो कलर करते समय मैं फ्रेंड्स आपको कुछ बातें तो बताने ही वाला हूँ, चीज़ें हैं वो भी बता दूंगा। तो और एक बात कहता हूँ फ्रेंड्स, आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएंगी। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मैंने मोदी जी की आउटलाइन पेपर पे बना ली है, अब हम इसे कलर कर लेंगे। और एक बात कहता हूँ फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं कई इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तो मिलती ही आएंगी। तो अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कैसा फेस की ड्राइंग बनानी है, कैसे नोज़, कैसे आइज़ बनाने हैं और कौन से कलर मैं यूज़ करता हूँ वो भी बताऊंगा। तो मैंने येलो कलर पेंसिल से पूरी तरफ से शेड कर लिया है। अब हम जहाँ हमने डार्क जो आउटलाइन की थी उसे हम थोड़ा इरेज कर देंगे। अब हम स्किन कलर से जहाँ आपको इस फोटो में डार्क शेड लग रहा है वहाँ पे हम डार्क शेडिंग करेंगे। अब हम फ्रेंड्स येलो ऑकर कलर पेंसिल से शेडिंग करेंगे। वही टेक्निक हमें यहाँ भी अप्लाई करनी है, जहाँ आपको डार्क शेड लग रहा है वहीं पे हम डार्क करेंगे। सो फ्रेंड्स, मुझे जहाँ इस फोटो में डार्क शेड लग रहा है वहाँ मैं शेड करूँगा, वही दो पेंसिल से करूँगा जो हमने पहले यूज़ करी है, स्किन कलर और जो ये लॉकर कलर है उससे मैं शेडिंग करूँगा। अब मैं इसके बाद ब्राउन कलर से शेडिंग करूँगा। तो फ्रेंड्स मैं वही बताऊँगा कि यही टेक्निक हमें अप्लाई करनी है, जहाँ डार्क लग रहा है वही डार्क करना है। हम नए नए शेड्स लेते जाएंगे तो डार्क शेडिंग के लिए ही लेंगे। तो देखो मैं किस तरह से कर रहा हूँ। अब हम डार्क ब्राउन लेंगे। डार्क ब्राउन कलर से फ्रेंड्स हम सिर्फ आँखों को शेडिंग करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें डार्क जो शेडिंग है वो नज़र आ रही है। तो जहाँ जहाँ डार्क लग रहा है वहीं पे कीजिए। तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो मैं किस तरह से शेडिंग कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको इस वीडियो में मैंने बता ही दिया है कि स्किन कलर यानी कि फेस को कौन से कलर से शेड करना है और कौन से कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो ये वीडियो आप ध्यान से देखो और यही कलर का यूज़ करके देखो। तो आपको आई होप समझ आ रहा होगा ये वीडियो। अब हम फ्रेंड्स जो उनके लिप्स है उनको शेडिंग करेंगे। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये तीन कलर का यूज़ करूँगा, स्किन कलर, पिंक कलर और रेड ऑकर कलर का। तो हम पहले स्किन कलर से कलर कर लेंगे, बाद में पिंक कलर से और बाद में रेड कलर से। स्लिप्स का होने के बाद हम आँखों को शेडिंग करेंगे, ब्लैक कलर पेंसिल से शेडिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स आप ज़्यादा डार्क मत कीजिए ताकि उन्होंने जो ग्लास पहना हुआ है ऊपर में यानी कि उससे थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं दिख रहा है आँखों को आपको, तो थोड़ा कम ही शेडिंग कीजिए। दोनों कानों को शेडिंग कर लेंगे।
तो वही टेक्निक आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, पहले येलो कलर, फिर स्किन कलर और येलो आकर और ब्राउन कलर से। कानों की शेडिंग होने के बाद फ्रेंड्स अब हम जो उनकी गर्दन है उस पर शेडिंग करेंगे। यहाँ भी फ्रेंड्स वही टेक्निक आपको अप्लाई करनी है, वही कलर यूज़ करने हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा, बिल्कुल ही समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि मैं सब इसमें बता रहा हूँ कहाँ शेडिंग करनी है कहाँ नहीं करनी है। तो आप सिर्फ देखते जाओ फ्रेंड्स। अब हम फ्रेंड्स उनके आंखों की पुतलियों को कलर करेंगे। मैं ब्राउन और ब्लैक कलर का सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ, देखो। तो फ्रेंड्स मैंने वाइट कलर से और ग्रे कलर से बाकी की जो बची हुई चीज़ें हैं, जो बाल, आईब्रोज और जो उनकी मूछ और उनको वाइट कलर और ग्रे कलर से सिर्फ शेड किया है, देखो। तो फ्रेंड्स मैंने उनका जो चश्मा है, जो ग्लास है उसका, उसको मैंने हल्के से ग्रे और ब्लैक कलर से थोड़ा सा आउटलाइन किया है, आप देख सकते हो। अब फ्रेंड्स उनका जो कोट है मैं डार्क ब्लू कलर से कलर करूँगा, मैं सिर्फ प्लेन कलर करूँगा फ्रेंड्स, बाद में जो पर्पल कलर है उससे शेडिंग करूँगा। फ्रेंड्स कलर होने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये इस वीडियो को बैकग्राउंड के लिए कलर करना हो तो आप कर सकते हो, फिलहाल मैंने तो नहीं किया है, सिर्फ मैंने ग्रे कलर से थोड़ा सा शेड किया है। तो अगले वीडियो में मैं फ्रेंड्स आपको आँख कैसे बनानी है वो सिखाऊँगा, और कलर कौन सा यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना है वो भी बता दूँगा, और उसमें मैं कलर कौन से यूज़ करता हूँ वो भी बता दूंगा और शेडिंग भी बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए बाय बाय।